वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि रीजनिंग करने में सिमांटिक नेट का क्या काम रहता है, उस रीजनिंग के टाइम पे सिमांटिक नेट किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि मैं अभी एक एग्जांपल लिखूंगा और उस एग्जांपल के दम पे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि सिमांटिक नेट के अंदर एक परेशानी क्या है कि सिमांटिक नेट में कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, कोई फॉर्मुलाइजेशन है ही नहीं। आपने जो नोटेशन लगा दी, जैसा आपने लिख दिया वैसा मान लिया हमने, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो आर्क्स एंड नोड्स पे टिका हुआ है। अब आर्क्स एंड नोड्स के तो स्टैंडर्ड हैं कि ठीक है, आप आर्क ऐसी लगा लो, वैसी लगा लो, नोड ऐसा लगा लो, वैसा लगा लो, लेकिन ओवरऑल जो सिमांटिक नेटवर्क को आप देखेंगे तो कोई स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंटर का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर मुझे स्पीड मालूम करनी है उसकी। तो मैं सबसे पहले तो एक नेटवर्क बना देता हूँ, तब जाके शायद आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए सबसे पहले मैंने लिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सबसे पहला ऑब्जेक्ट के लिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पास कंप्यूटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैज अ पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज जो डेस्कटॉप होते हैं। अच्छा, वो जो डेस्कटॉप हैं वो सारे के सारे किसी कंपनी के हैं, डेल कंपनी के हैं फॉर एग्जांपल। ध्यान से देखिएगा, वो जो पीसी हैं वो कैसे हैं, हैज अ रिलेशनशिप, डेल कंपनी के पीसी, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के पास और भी क्या है, यूनिवर्सिटी के पास लाइन प्रिंटर है। क्या है? लाइन प्रिंटर। बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। अच्छा, साथ ही साथ जो जो आपके पीसीज हैं उन पीसी के अंदर कुछ डंप टर्मिनल्स भी हैं, हैज अ डंप टर्मिनल्स, ये जो डंप टर्मिनल्स हैं इनके पास क्या है, इनके पास कीबोर्ड्स हैं, पूरा यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर बना रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटी की किसी लैब का आर्किटेक्चर बन रहा हैज मॉनिटर्स, मॉनिटर्स भी होंगे, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर पीसीज हैं, पीसी जो है वो डेल कंप्यूटर, डेल लेबोरेटरी है या डेल के हैं, उसके पास डम टर्मिनल्स भी हैं कुछ ऐसे जो फालतू रखे हुए हैं, उनके अंदर कीबोर्ड्स भी हैं, उनके अंदर कीबोर्ड्स के साथ साथ मॉनिटर्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो लाइन प्रिंटर है उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हैमर बैंक। और यहां पे लाइन प्रिंटर जो होता है उसकी एक स्पीड होती है कि वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है, उस स्पीड को नाम दे दिया मैंने एक्स। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं, ये यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर सेंटर था, यूनिवर्सिटी का क्या था, ये कंप्यूटर सेंटर था जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे थे। और ये यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर सेंटर कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, तो मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है कंप्यूटर सेंटर जो है उसका पार्ट है। भाई सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है स्थित है दिल्ली में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इन यूनिवर्सिटी के साथ अगर मैं बोलूं तो यहां पे वाई कनेक्ट करता हूं और ये क्या है, हैज डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के पास डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हैं ये सारी बातें बड़ी एलाबोरेट करके लिखी हैं। यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी के पास वाई नाम का डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर में पीसीज हैं, पीसी जो है वो डेल के हैं, पीसी जो है उनके अंदर डम टर्मिनल्स भी हैं कीबोर्ड माउस नाम के, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास कंप्यूटर है, लाइन प्रिंटर है, सब कुछ आपने लिख दिया, हैमर बैंक है, सारी बातें लिख दी आपने, इनिशियल नोड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर चालू करा उससे सारी बातें लिख दी, बहुत अच्छा है, सारी इंफॉर्मेशन अच्छी है।
लेकिन क्या यहाँ पे स्पीड जो है लाइन प्रिंटर की, उसको आपको मालूमात करना है, तो उसका कोई मैकेनिज्म दिख रहा है आपको? आपके पास स्पीड अगर फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको ये सारी फालतू की जो चीजें हैं ना, वो भी क्या करनी पड़ेंगी, ट्रैवर्स करनी पड़ेंगी। इनिशियल नोड से फाइनल नोड तक पहुंचना हमने सीखा है नॉलेज प्रेजेंटेशन टेक्निक में। इनिशियल नोड से फाइनल नोड तक हमने सीखा है, आगे बढ़ बढ़ के, वो धीरे धीरे क्या करते थे, हम एक एक स्टेप आगे लेते जाते थे और आंसर की तरफ अग्रसर होते जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है सिमांटिक नेट में, कि सिमांटिक नेट इजीली बन तो जाता है और आप उसको अच्छे से स्पेसिफाई भी कर देते हो। स्टार्टिंग नोड को इनिशियल नोड मानते हो और उसके बाद उसके अदर दूसरी नोड को परस्यू करते जाते हो लिंक के जरिए, कब तक, जब तक कि फाइनल नोड ना आ जाए। अब आपने एग्जाम्पल दिया, आप इसमें अपन को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर। तो इसके लिए क्या है कि आपको ढूंढना पड़ेगा पूरे मैकेनिज्म के अंदर कि स्पीड नाम का टर्म कहाँ लिखा है। इस स्पीड नाम के टर्म की तलाश के चक्कर में आपको सारे नोड्स विजिट करने पड़ेंगे और उसी आर्क पे जाके आपको आंसर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन व्हाट इफ के स्पीड नाम का फीचर होता ही नहीं। आप मुझे बताइए कि कौन इतना मालूमत रखता है, अगर यह डायग्राम किसी यूनिवर्सिटी को बनाएंगे तो प्रिंटर की स्पीड भी लिखेंगे, चलो इसमें लिख दिया मैंने, लेकिन अगर नहीं होता तो आपको एक एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता, उसके कंप्यूटर सेंटर और दिल्ली और डेल और पहल, ये जितनी भी चीजें लिखी है ना, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स, इनको ट्रेवर्स करना पड़ता। और ये जो ट्रेवर्सल आप जो करते ना, उसमें आप फंस जाते और उसमें स्टक हो जाते। और इस वजह से सिमांटिक नेट को यूज जब किया जाता है तो बहुत ध्यान से किया जाता है कि सिमांटिक्स पे काफी विशेष ध्यान रखा जाए, और जो चीजों के लिए रीजनिंग होनी है उन चीजों को प्रेजेंट होना बेहद जरूरी है। अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाती है। तो ये एक बड़ा सारा एग्जाम्पल था, और ये बड़ा सारा एग्जाम्पल सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि सिमांटिक नेट में रीजनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज आर्क्स और नोड्स जो है उनके तो स्टैंडर्ड है, लेकिन सिमांटिक नेट का खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन होता तो शायद ये वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर में ना रख के स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर में रखा जाता। थैंक यू सो मच।